जय हिंद, आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। अभी अभी फिर आई बेहद बुरी खबर, फिर दिखा उत्तराखंड में कुदरत का भयावह रूप। केदारनाथ जाते हुए श्रद्धालुओं की लाशें बिछी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शुक्रवार को भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार श्रद्धालु केदारनाथ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले के चौकी फाटा के तहत तरसाली में कार पर पहाड़ से मलबा आ गिरा। जानकारी के मुताबिक 12 घंटे की मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया। शनिवार को कार में 5 शव मिले। बताया जा रहा है कि सभी तीर्थयात्री गुजरात के रहने वाले थे। अधिकारियों के मुताबिक तरसाली में पहाड़ से मलबा गिरने के बाद केदारनाथ हाईवे का 60 मीटर हिस्सा खाई में बह गया। अधिकारियों के मुताबिक लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ जाने वाले गुप्तकाशी गौरीकुंड हाईवे पर लंबा जाम लग गया। उधर रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि जावड़ी, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त काकड़ा गाड़ के आगे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के कुछ जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 13 में से अधिकांश जिलों में 11 से 14 अगस्त तक रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब समेत 13 राज्यों के लिए भविष्यवाणी की है। विभाग के मुताबिक इन राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक इनके अलावा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु में भी भारी बारिश होने की संभावना है।